हार्ट अटैक के बढ़ते मामलों को देखते हुए मुंबई के डॉक्टरों ने एक सर्वे किया है जिसके चौंकाने वाले नतीजे सामने आए हैं। देश में हार्ट अटैक की घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं। इसका शिकार होते हर उम्र के लोग दिख रहे हैं। मुंबई के डॉक्टर्स की माने तो पिछले दो वर्षों में खासकर कोविड काल के बाद अस्पतालों के इमरजेंसी रूम में हार्ट की समस्या वाले मरीजों की संख्या में 70% का इजाफा हुआ। चिंता की बात ये कि हार्ट अटैक के शिकार अब 50 साल से भी कम उम्र के लोग होने लगे। डॉक्टर गोरे की माने तो पहले हार्ट अटैक के ज्यादातर मरीज 50 से 60 साल की उम्र में होते थे, लेकिन अब 33% मरीज 40 से 50 साल की उम्र वाले हैं। 18 से 40 साल की उम्र के लोगों में हार्ट अटैक के मामले 20 से 25% बढ़े। रिसर्च में पाया गया कि साल 2011 से लेकर 2022 तक हार्ट अटैक के मरीजों की संख्या में 5 गुना इजाफा हुआ है। उधर हार्ट अटैक से अचानक होती मौतों को देखते हुए एम्स दिल्ली ने एक रिसर्च प्रोजेक्ट शुरू किया है। इस प्रोजेक्ट में आधुनिक तकनीक जैसे पोस्टमार्टम, सीटी एंजियोग्राफी, फॉरेंसिक हिस्टोपैथोलॉजी, फॉरेंसिक इम्यूनो हिस्टोक्रेमिस्ट्री के साथ साथ अचानक होने वाली सभी मौतों पर अध्ययन किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट के चीफ रिसर्चर हैं फॉरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी के प्रोफेसर डॉक्टर सुधीर के गुप्ता। डॉक्टर्स की माने तो हार्ट अटैक से बचने के लिए अच्छा खान पान और एक्सरसाइज तो जरूरी है ही, स्ट्रेस और नशे की आदत से भी संभलना होगा। कार्डियोलॉजी सोसाइटी ऑफ इंडिया की माने तो भारत दुनिया भर में हार्ट से जुड़ी बीमारियों का कैपिटल बन चुका है। पहले हार्ट अटैक की परेशानी 50 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को होती थी, लेकिन अब युवा भी इसके तेजी से शिकार हो रहे हैं। मिथिलेश गुप्ता, टीम न्यूज़ 10।